कैमरा रोलिंग एक्शन। साथियों एग्जाम्पल आप सभी के लिए लेकर आया है, ना 10 ना 100 ना 500 ना 1000। हाँ हाँ डॉक्टर साहब इसकी टाइमिंग क्या है? रविवार सुबह 11 बजे सर जी। ना 1 ना 10 ना 100 ना 500 सीधे 1000। 10,000 सर जी, 10,000। 10,000 दिवाला निकालेगा क्या? अब बर्बाद करना है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इंडिया के इतिहास में पहली बार ना 1 ना 10 ना 100 ना 500 ना 1000 सीधे 10,000, अर्थात मैथ्स की फ्री किताबें आप सभी के लिए 30 मई रविवार सुबह 11 बजे अपने मेन एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर एग्जैक्ट 11 बजे आना ना भूलें इन 10,000 फ्री मैथ की किताबों को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो भाई क्लास को जरा हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा पेन काम गया। चलिए क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और इसके साथ ही आप लोग को एक बार जरा टाइम टेबल बताना है कि अपना जो कि टाइम टेबल है वह 10 बजे मेरी चलती है एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर क्लास चलती है। उसके बाद 11 बजे अपनी चलती है मास्टर क्लास और 2 बजे चलती है मेन चैनल एग्जामपुर पर यह अपनी एसएससी जीडी की क्लास, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इसमें ही हम लोग मर्ज करेंगे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस भी, ठीक है, ताकि इन बच्चों की भी प्रिपरेशन हो सके। सो यूपी स्पेशल के लिए भी यही क्लास आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से करें हम लोग शुरू। चलिए तो बढ़ चलते हैं, अब हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और क्लास को जरा शेयर किया करो आप लोगों को। हमने बोला है कि क्लास को शेयर करना चाहिए आप लोगों को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में ही, ठीक है। एक अपनी एक वो होता है ना ग्रैंड क्लास, हम लोगों ने अपनी एक ग्रैंड क्लास अपनी क्लास को बनाना है। तो उसके लिए तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ में हम लोग स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे क्लास से, ठीक है। चलिए तो भाई बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की और स्टैटिक जी के बारसोना मैम की क्लास में। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान ताप वाली रेखाएं जिनको जो कि मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, यह है आप लोगों को बताना है जी। रुखसार जी, ओके, पिकू, हेलो मुकेश, ओके, हेलो फिरोज खान, चलिए बताएंगे इसको क्या कहा जाता है, बताएंगे। कार्तिका जी, ओके, इतना वेट नहीं कराया है, चलिए बताएंगे क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह आप लोगों को बताना है, यह आप लोगों को बताना है क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है यह है आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सही है, क्या कहा जाता है, यदि हम इनकी बात करते हैं तो इनको कहा जाता है समतापी वर्ग। बिल्कुल सही बात है, क्या कहा जाता है इनको, इनको समतापी वर्ग मतलब कि आइसोमेट्रिक कर्व इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ है। लाख बहोसी अभ्यारण्य की यदि हम बात करें सो यह कहाँ पर है यह आप लोगों को बताना है, कहाँ पर है लाख पहुसी अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पर है जी। मिश्रा जी आपकी आवाज सभी को आ रही है, अब जल्दी से आंसर करना शुरू कीजिएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बताएंगे लाख पहुसी अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो यह कहाँ पर है, कहाँ पर है, कन्नौज में है, कहाँ पर, कन्नौज में। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ओके जानवी सचिन यादव, ओके चलिए सो आगे बढ़ चलते हैं।
निम्नलिखित में से पृथ्वी कितने क्षेत्रों में विभाजित है? यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी कितने क्षेत्रों में विभाजित है, उन क्षेत्रों की आपको पहचान करनी है, जैसे कि स्थल मंडल, समताप मंडल, जीव मंडल और शोभ मंडल। देन सेकंड है आपका कि स्थल मंडल, जल मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल, मतलब वायुमंडल इसका हिस्सा है, या आयन मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल, या फिर स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल एंड वायुमंडल, बताएंगे जी। सॉल्व भी 10 मिनट लेट आने का बिल्कुल एकदम निश्चय किया हुआ है आप लोगों ने, हाँ कि क्लास में लेट ही आना है, ऐसा निश्चय करके आप लोग क्लास में चलते हैं कि हमने तो क्लास में लेट ही पहुंचना है, बताएंगे चलिए आंसर करके कि अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बताओगे भाई कि आंसर भाई हमारा अपना यहाँ पर हो जाएगा, यह आप लोगों ने बताना है आंसर करके क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन, ओके डी विशाल, ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल सही वैसे आप लोगों ने पहचाना। यदि हम पृथ्वी के क्षेत्रों की बात करते हैं तो एक तो आता है स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल के बाद में यहाँ पे वायुमंडल भी होता है, यहाँ पे जल मंडल भी होता है, और हम लोग रह रहे हैं जीव मंडल भी है, क्या है जीव मंडल भी है यह है। अब इन चारों के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा। चलिए देन आगे बढ़ते हैं कि अप्रैल 2020 में BWF मतलब कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान के अम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया था? एक्चुअली यह जो कि अभियान चलाया गया था यह लोगों में बैडमिंटन के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस अभियान को चलाया गया था, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था यह आप लोग बताएंगे, श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल या फिर पीवी सिंधु, किसको बनाया गया था? श्रवण इसो के, लवी मिश्रा के, पिकू ओके, चलिए आंसर करेंगे, तनु इलावादी ओके, चलिए आंसर कीजिएगा कि अपना भाई आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या आंसर हमारा हो जाएगा यह आप लोगों ने बताना है, ए ऑप्शन ओके बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा पीवी सिंधु, क्या हो जाएगा पीवी सिंधु को बनाया गया है, ठीक है पीवी सिंधु को बनाया गया है, सिंधु को बनाया गया है। पीवी सिंधु की यदि हम बात करते हैं तो पीवी सिंधु यह कहाँ से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना राज्य से यह बिलोंग करती हैं पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु बैडमिंटन की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, और 2016 में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था 2016 में। इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, अभी 2020 में पद्म भूषण अवार्ड इनको 2020 में दिया गया है। उसके बाद इन्हें राजीव गांधी जो कि भारत के अंदर खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह इन्हें 2016 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में इनको दिया गया था पीवी सिंधु को, तो ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है सिल्वर गर्ल के नाम से, बिल्कुल पीवी सिंधु यहाँ पे सिल्वर गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? बताएंगे हड़प्पा की द्वारा किस हड़प्पा की जो खुदाई है वह किसके द्वारा की गई थी? बताएंगे किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, यह आप लोग बताएंगे आंसर करके, किसके द्वारा खुदाई की गई थी बताएंगे, बताएंगे भाई इसके बारे में किसके द्वारा की गई थी, बताएंगे चलिए बात करते, देखो राखल दास बनर्जी की यदि हम बात करें तो इन्हें जाना जाता है 1922 में मोहन जोदड़ो की खुदाई के लिए, मोहन जोदड़ो की खुदाई
खुदाई के लिए इनको जाना जाता है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, राय बहादुर दयाराम सानी के बारे में, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हड़प्पा की खुदाई किसने की है, दयाराम सानी ने 1921 में की है। सो आंसर इज दी सी ऑप्शन। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा यदि हम आर एस बिस्ट की बात करते हैं तो इन्होंने बनावली बनावली इन्होंने बनावली और धोलावीरा की खुदाई के लिए यह जाने जाते हैं। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। अच्छा ये बताइए कि बनावली कहाँ पर है, बनावली जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, इसकी लोकेशन किस राज्य में है प्रेजेंट टाइम में, इसकी लोकेशन किस राज्य में है प्रेजेंट टाइम में, यह आप लोग बताएंगे। लवी मिश्रा क्या हो गया, मुकेश, ओके बताएंगे जी। बिल्कुल शिवकांत, बिल्कुल सही कहा, हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और आप हैरान रह जाएंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानकर के कि एक नगरीय व्यवस्था थी इन लोगों की। एक तो होती है ग्रामीण व्यवस्था, मतलब जिस तरह से लोग गांव में रहते हैं, लेकिन यह लोग फ्लोर बना करके, प्रॉपर नालियां बना करके, प्रॉपर दीवारों की ईंट के घर बना करके रहा करते थे। ठीक है, संजीत ये कैसे बताया जा सकता है, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, बताएंगे सिद्धू राजपूत नारायण। चलिए बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। कोई नहीं, ये कहीं ना कहीं चीजें, अब इसके बारे में क्या ही बोलूं, बोलूंगी तो तुम लोगों को मिर्ची लग जाएगी। चलिए बनावली के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर है यह है, हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, बताएंगे। आईपीएस जीतू, ओके okay। बताएंगे आंसर करके क्या यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिएगा क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आईपीएस अधिकारी के बारे में बताएंगे क्या हो जाएगा, किरण बेदी। बिल्कुल सही बात है, कौन हो जाएगा, किरण बेदी यहाँ पर हो जाएगा। किरण बेदी कौन है, किरण बेदी है, ठीक है, जो कि पुदुचेरी की फॉर्मर राज्यपाल भी रही हैं, है ना। यह है पुदुचेरी की फॉर्मर राज्यपाल भी रही है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पुदुचेरी की कौन है, वह है तमिलीसी साई सुंदर राजन है, जो कि तेलंगाना की भी गवर्नर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं कि वेतन, विश्व वेतन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल ग्लोबल पे रिपोर्ट जो कि है भाई, वह किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, यह आप लोगों को बताना है। आयशर ठाकुर आंसर कीजिएगा। पवननाथ जी, जी बिल्कुल, चलिए आगे आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। लवी मिश्रे ओके, कोई नहीं आप पढ़ाई कीजिए। चलिए बताएंगे आप लोग आंसर करके यहाँ पे क्या हो जाएगा। आंसर करेगा यदि हम बात करते हैं कौन सी है भाई ऑर्गेनाइजेशन, यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। कौन सी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय की बात करते हैं कहाँ पर है, लियोन में है, जो कि पेरिस का एक शहर है लियोन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1919 में की गई थी। यदि हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यदि हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और वॉशिंगटन वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करते हैं, तो बताओ जरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह आप लोगों को बताना है। यदि हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में तो कहाँ पर है, ओके दीपक चौधरी जी, लेकिन थोड़ा सा लिखने का समय भी दीजिए, आम अ ह्यूमन नॉट अ कंप्यूटर। चलिए बताएंगे
यहाँ पे आंसर क्योंकि कि क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके मुख्यालय के बारे में बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर इतना हम लोग चलते हैं, क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का बताएंगे। कोलोंजी स्विट्जरलैंड का जो शहर है वहां पर, जिनेवा में नहीं है, स्विट्जरलैंड का जो कि शहर है कोलोंजी यहाँ पर है, ठीक है, मुख्यालय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, बाकी यह स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम बादशाह खान था, किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो कि है वह, चलिए बताएंगे यहाँ पे। तो फिर दीपक इतना फास्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड में मैं चल रही हूँ, बहुत स्लो भी नहीं चल रही हूँ। मुझे भी पता है कि नॉर्मल एक स्लो स्पीड कितनी होती है, तो मेरी एक एवरेज है और मुझे लगता है कि ये सही है। चलिए तो बताएंगे यहाँ पे, स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम क्या है जिसे कि बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफार, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफार को कहा जाता है, ठीक है, जिसे कि लाल कुर्ते वाला ग्रुप भी कहा जाता था इनके समूह को, एंड इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इन्हें इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, ठीक है, जिन्होंने कि गांधी जी के साथ में मिलकर के काफी आंदोलन में गांधी जी को सहयोग प्रदान किया है और हमारे देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है खान अब्दुल गफार ने। चलिए सो कन्नौज के संघर्ष में इन तीनों राज्यों जो कि त्रिपक्षीय हैं, है ना, में से कौन शामिल था, इन तीनों इनमें से वह तीन राज्य हैं जिनके संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, अभी भी जानते हैं हम उसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो बताएंगे कि किन तीनों के बीच में यह संघर्ष चला था। जी बिल्कुल, सबसे पहले विदेशी थे जिन्हें कि 1987 में भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफार को, उसके बाद 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। अभी तक दो गैर भारतीय ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए बताएंगे, ओके ठीक है, चलिए कोई नहीं दीपक, करते हैं हम लोग इस, ओके चलिए करते हैं। कौन है, बिल्कुल, यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, यह है आपके राष्ट्रपाल, रुकिएगा इसकी ट्रिक है, राष्ट्रपाल हार, राष्ट्रपाल हार ऐसे करके इसकी ट्रिक है, राष्ट्रपाल हार, राष्ट्रपाल हार, ये तीन वर्ड याद रखना, राष्ट्र से है राष्ट्रकूट, ठीक है, एंड पाल से है मतलब पाल वंश जो कि रहा है, जिसकी कि गोपाल वंश, गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, हार से है प्रतिहार, प्रतिहार मतलब मैंने इस तरह से इनको याद किया हुआ है स्टार्टिंग से ही। सो राष्ट्रपाल हार, अब इनसे हम मैच करते हैं तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपाल हार ऐसे करके याद कर सकते हो। चलिए सो आगे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित जैव मंडल उड़ीसा में स्थित है, इनमें से कौन सा जैव मंडल है ना जो कि संरक्षित यहाँ पर किया गया है, मतलब कि ऐसा एरिया जिसे कि प्रोटेक्टेड किया हुआ है हमारे भारत की सरकार के द्वारा, और कहाँ पर है, उड़ीसा में है, वह कौन सा है, वह कौन सा है। देखो भाई, यदि हम नोंग रेंग की बात करते हैं, नोंग रेंग की बात करते हैं, सो यह कहाँ पड़ता है आपका, मेघालय में पड़ता है। नंदा देवी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पड़ता है। सिमलीपाल कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, नोंग रेंग की यदि यदि हम सिमलीपाल की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सिमलीपाल के बारे में तो उड़ीसा में है, और नीलगिरी की बात करते हैं तो यह पड़ता है साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में, जो कि केरल, तमिलनाडु और थोड़ा सा कर्नाटक वाले एरिया को भी सेपरेट करने का काम यह करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए क्लियर है, बाकी के बारे में भी याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था? बताओ जरा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बताएंगे किसको उपहार में यहां पर दिया गया था? किसको भाई उपहार में, अमेरिका को उपहार में दिया गया था किसके द्वारा, किसके द्वारा, जो कि 18वीं शताब्दी के समय में यहां पर दिया गया था। एक तरह से दोनों देशों के बीच में मित्रता दर्शाने के लिए इसको दिया गया था। बताएंगे बताएंगे, हाँ यहाँ पे चलिए, बिल्कुल सही है। किसने दिया था? यह दिया था फ्रांस ने, बिल्कुल सही। किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो सॉरी, यह आपका 18वीं शताब्दी में नहीं, 19वीं शताब्दी के समय में, जो कि 1886 के समय में उपहार रूप में दिया था। किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था इसको, ठीक है। और यदि हम इसकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट की बात करते हैं, हाइट की, ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी हाइट की हम लोग बात करते हैं तो कितनी है? 93 मीटर इसकी हाइट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉर्च तक की हाइट मैंने आपको बताई है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से टॉर्च तक की हाइट, ठीक है, टॉर्च जो कि पकड़ी हुई है ना, टॉर्च जो कि पकड़ी हुई है, टॉर्च जो कि पकड़ी हुई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने, वहां तक की हाइट है। बाकी यदि हम इस स्टैचू की हाइट की बात करते हैं, जो कि कॉपर का स्टैचू बना हुआ है, तो उसकी हाइट सिर्फ 46 मीटर है। कितनी है? जो स्टैचू बना हुआ है, जो कि कॉपर का बना हुआ है, उसकी हाइट है 46 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के द्वारा यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही कभी कभी आप लोगों से इसके आर्किटेक्चर मतलब कि वास्तुकार के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वास्तुकार की बात करेंगे तो ओगस्टे, ठीक है, ओगस्टे बार्थोल्डी इसके वास्तुकारक हैं, जो कि फ्रांस से थे, जो कि यहाँ पे फ्रांस से थे। यह एक मूर्तिकारक थे जो कि मूर्तियों का निर्माण करते थे, ठीक है, अगस्टे बार्थोल्डी। क्लियर है? अगस्टे बार्थोल्डी, चलिए चलिए, सो आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, राहुल पटेल, बहुत अच्छी बात है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया। चलिए, 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत किसने की थी, जिसका उपयोग आज भी भारत सरकार के द्वारा किया गया था? यह आप लोग बताएंगे बताएंगे यहाँ पे। सिद्धू, मैंने आपके पापा के साथ में कोई क्लास पास नहीं की है, ठीक है। मैंने आपके पापा के साथ में क्लास पास नहीं की है, बल्कि आपसे ही कुछ समय पहले ही मैंने क्लास पास की है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब आप लोग इतने ही छोटे हो तो आप फिर अभी से कंपटीशन की तैयारी कैसे कर रहे हो। चलिए बताएंगे। खैर, ये वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे ब्लॉक कराना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए, 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत किसने की थी, जिसका उपयोग आज भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है? चलिए बताएंगे। सिंपल सी बात है, क्लास में हूं और मैम है तो मैम वर्ड यूज करो, नहीं तो अगर रिश्तेदारी निभाओगे तो फिर आपकी छुट्टी होगी क्लास से, ये ध्यान रखना। अगर रिश्तेदारी निभाओगे तो क्लास से आप लोगों की छुट्टी होगी, क्योंकि मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और आपकी इन हरकतों की वजह से क्लास डिस्टर्ब होगी। चलिए, सो बताएंगे यहाँ पे, आगे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलो आप लोग छोड़ो, यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि 78 शक युग की शुरुआत किसने की थी, जिसका उपयोग आज भी भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, मतलब कि हमारे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किसका यूज किया जाता है? आप जानते हैं
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? वह है शक शक संवत। कौन सा है? शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी, है ना, जो कि कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर कि पृथ्वी का जल घटक जो लगभग 70% सतह को कवर करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यह आप लोग बताएंगे कि उसको क्या कहते हैं। बिल्कुल सही है, चलिए बताएंगे उसको क्या कहते हैं, यह आप लोगों को बताना है। उसको क्या कहते हैं, यह आप लोगों को बताना है। चलिए बताएंगे। नो मर्सी, ओके। चलिए सो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। स्थल मंडल, बिल्कुल सही बात है। चलिए ओके सो बात करते हैं। देखो पृथ्वी के घटक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग में 70 से 71% आपका, कहीं कहीं पे 71 आ जाता है तो कहीं कहीं पे 70 आ जाता है। यह पूरा कैसा है? जल वाला एरिया है पृथ्वी पर। बाकी आपका यहाँ पर जो बचता है 29 से 30%, यह कैसा आ जाता है? यह आ जाता है लैंड वाला एरिया। ज्यादातर मान्यता जो है वह 29% है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरी भूमि को, भूमि का मतलब समझ रहे हो, महाद्वीपों का पूरा एरिया, इसको मीजर करना बहुत मुश्किल है। सो अप्रोक्स में जहां तक जो ये रिसर्चर है इन्होंने काउंट करके बताया है, तो 29 अप्रोक्स में इन्होंने डिजिट दी है। और भाई जो जल से कवर है अफकोर्स उसे तो क्या कहते हैं? उसे जलमंडल कहते हैं। मतलब एक तरह से अगर हम बात करूं तो बच्चों वाला क्वेश्चन ये आपका होगा, ठीक है। और दूसरा क्या बचा आपका? स्थल मंडल बचा, जो 29 से 30% हुआ, है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए सो आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? राज बहादुर, बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, जो भाई देखो रिस्पेक्ट के बंदा काबिल है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, सो उनको मिलनी चाहिए। चलिए सो आगे बात करते हैं। फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश का कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, या फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, या फिर यह सभी के सभी सबसे पहली बार जो कि स्थापित किए गए थे टाइगर रिजर्व उसमें है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा है? दुधवा, ठीक है। कौन सा है? दुधवा है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा है? दुधवा यहाँ पर है। आगे बढ़ चलते हैं। शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाली वर्षण की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? अक्षर में मतलब देखो गर्मी में मॉनसून का बनना स्वाभाविक है, मतलब कि एक नेचुरल है, लेकिन सर्दियों के समय में भी जो कश्मीर में वर्षा होती है वह आपने अगर पढ़ा हो मतलब ज्योग्राफी में, या फिर आप पढ़ेंगे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कुछ बादल जो कि बच करके वहां पे निकल आते हैं तो उनके द्वारा वह वर्षा होती है, और उन्हें किस नाम से हम जानते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या यहाँ पे निवर्तनी मानसून, या फिर शीतोष्ण चक्रवात इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्या इनको कहते हैं? क्या इनको कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी विक्षोभ इनको कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न की साइड में जो कि डिस्टरबेंस यहाँ पर बनता है बादलों का, उस नाम से इसको जाना जाता है। जी बिल्कुल मिश्रा जी। चलिए स्वागत पर चलते हैं। हसन रूहानी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हसन रूहानी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यह है आप लोग बताएंगे आंसर करके। किस देश के भाई राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? हसन रूहानी किसके बने हैं? ईरान के। बिल्कुल सही बात है, किसके बने हैं? ईरान के बने हैं। ईरान की यदि हम बात करते हैं सो तेहरान, तेहरान यहाँ की कैपिटल है, और तोमन यहाँ पर करेंसी चलती है जो कि न्यू करेंसी है यहाँ की, ठीक है। क्लियर है? चलिए पहले रियल थी, अब है क्या? तोमन। चलिए द नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच किस खेल और देश से संबंधित है? मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। पहले आप लोग आंसर कीजिए तब मैं बताऊंगी इनके बारे में, नहीं तो आप लोग फिर जान जाएंगे। चलिए ईरान, हाँ जी बिल्कुल सही है। मंजू सोनाले जी, बिल्कुल जस्सिका,
बिल्कुल शिवांश ओके सिंह, चलिए सो बढ़िया है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो किससे, यह है टेनिस से बिलोंग करते हैं, 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और लास्ट अभी इन्होंने कौन सा जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है लास्ट अभी अपने कैरियर का, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने अभी लास्ट जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। कहाँ से हैं, सर्बिया देश से हैं। ये जो क्वेश्चन है ना डिटो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई खिलाड़ी है उसका पेशा पूछ लिया जाएगा, किस प्रोफेशन से वह बिलोंग करता है या किस देश से बिलोंग करता है, सो उस टाइम पे आप लोगों को पता होना चाहिए, जो न्यूज में चल रहे होते हैं ना खिलाड़ी, क्रिकेट के हैं, भारत्तोलन, रेसलिंग है ना, वेटलिफ्टिंग, किसी के भी हैं, लेकिन पूछ लिया जाता है उनका रहने का, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, और खिलाड़ी के बारे में, ठीक है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं कहा किया है, किसी ने भी कभी भी वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, यह आप लोग बताएंगे आंसर करके, बताएंगे किसी ने भी जो कि नहीं किया है वह कौन है, वह कौन है जिसने कि कभी भी नहीं किया है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, बताएंगे किसी ने भी नहीं किया है, यह आप लोगों को बताना है। देखो यदि हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी ने अफकोर्स किया है, एज अ एडिशनल चार्ज के तौर पर इंदिरा गांधी ने संभाला है, ठीक है। राजीव गांधी की यदि हम बात करते हैं तो राजीव गांधी ने भी 1987 के टाइम पर संभाला था। मनमोहन की बात करते हैं तो भाई इनको कैसे भूल सकते हैं, ये तो एलपीजी का मॉडल लेकर के आए थे, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो मॉडल लेकर के आए थे ना भारत में, मतलब एक तरह से निजीकरण भी भारत में लेकर के आ गए थे कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को अपनी ग्रोथ करने के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं काम, ठीक है। जिस समय पर देश में बहुत ही मंदी का दौर चल रहा था तो उस समय यह हमारे देश के बने थे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, और मैं बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, मनमोहन सिंह ने, एंड उस समय हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो कि थे वह प्रधानमंत्री हमारे थे, ठीक है। और इनके कार्यों के चलते ही फिर इन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाया गया था, और पहले सिख देश के प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, इवन तीसरे नंबर का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है मनमोहन सिंह का एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर। खैर यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा, लाल कृष्ण आडवाणी, क्या होगा, लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी देश के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे हैं। चलिए सो आगे बढ़ चलते हैं, अक्सर समाचारों में जो कि उल्लेखित यहाँ पे प्रदर्शित रहता है ऑपरेशन ब्लैक फेस, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फेस जो कि है वह किस से संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक फेस, राजबहादुर, टेनिस में बॉल का यूज किया जाता है, और बैडमिंटन, बैडमिंटन के अंदर शटल कॉक जिसे कि चिड़िया कहते हैं, ठीक है, शटल कॉक का यूज किया जाता है जिसमें 16 से 18 फीडर्स होते हैं। सुदीप अभी तो लंच भी हो गया, चलिए इस हो गया शुभम, चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ब्लैक फेस मतलब ब्लैक फेस इट मींस कि आपका जो काम है ना वह कैसा है, ब्लैक फेस का मतलब समझ रहे हैं ना कहीं वह गंदा काम है आपका, बुरा काम है। तो इसकी यदि मैं बात करती हूँ तो यह जो कि बात पोर्नोग्राफी है उससे संबंधित सामग्री को निकालना है, जो कि इस चीज को बढ़ावा देते हैं उसको रिमूव करना है, एक तरह से उस कंटेंट को हटाने का काम है, यह ऑपरेशन ब्लैक फेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, देन आगे है नेक्स्ट हमारा कि प्लास्टिक कचरे से सड़कों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है, किसको प्लास्टिक मैन कहा जाता है भारत का, किसको भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है, यह आप लोग बताएंगे, बताएंगे किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है, राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं, और इन्होंने देश में सबसे पहली बार, देश में सबसे पहली बार इन्होंने जो कि वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट चीजें होती हैं उनसे इन्होंने रोड का निर्माण किया था, ठीक है। यदि इनकी बात करते हैं तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, एंड इनको इनको अपने कार्यों के लिए
पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया गया है, जो कि आप लोग याद रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? आसान सा क्वेश्चन है। वैसे तो अलग अलग बुक में महाजनपद जो कि हुए हैं इनकी अलग अलग संख्या दी गई है, लेकिन जो मान्यता मिली है ज्यादातर बुक्स के अंदर महाजनपद की संख्या वह कितनी है? ओके राहुल, इस ओके। चलिए सो महाजनपदों की यदि हम संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 16। कितनी है? 16, 16 संख्या है महाजनपदों की। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना ऊंचा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यदि बात करते हैं तो श्री राम वी सुतार, राम वी सुतार के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है और नर्मदा नदी के किनारे पर है, नर्मदा नदी के किनारे पर भाई यह बना हुआ है। एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह स्टैच्यू, यह मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह मूर्ति है। ठीक है, चलिए बताएंगे। ओके, 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, बल्कि चाणक्य की यदि बात करते हैं तो चाणक्य के तीन तीन नाम रहे हैं, तीन तीन, तीन तीन नाम रहे हैं, मतलब तीन नाम रहे हैं, एक तीन यूज करेंगे सिंगल, तीन नाम रहे हैं। कितने रहे हैं? तीन नाम रहे हैं। ठीक है, तीन नाम रहे हैं, जिसमें से एक नाम तो आपको दिया गया है, एक नाम तो चाणक्य तो आप लोगों को दिया गया है, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा कौन सा है? कौटिल्य। कौटिल्य, ठीक है, यह नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाघ आरक्षित नहीं है? ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन्हें ही बाघों के रूप में भी आरक्षित किया जाता है, मतलब कि एक पोर्शन उनका बाघों के लिए भी रिजर्व कर दिया जाता है कि यहाँ पे टाइगर्स रहेंगे, उनके प्रोटेक्शन का काम होगा यहाँ, बाकी एरिया आप नेशनल पार्क के रूप में यूज कीजिए। तो ऐसे नेशनल पार्क जो होते हैं उन्हें टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो कौन सा है जो कि नहीं है? जी बिल्कुल, कौन सा है जो कि नहीं है? सुदेश धन्यवाद। चलिए ओके, सो बात करते हैं कौन सा। देखो अमनगढ़ भी है, बांदीपुर भी है, कॉर्बेट भी है, बल्कि कॉर्बेट तो सबसे पहला था, फर्स्ट था जिसे कि टाइगर रिजर्व बनाया गया था, है ना, 1973 में भारत में सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था कॉर्बेट को, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद गिर वन फॉरेस्ट, गिर वन फॉरेस्ट यह नहीं जाना जाता बाइगर टाइगर्स के रिजर्व्ड एरिया के लिए, बल्कि यहाँ पे एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं, एशियाटिक लोयन यहाँ पे पाए जाते हैं। हमारे भारत में इकलौता एशियाटिक लोयंस के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? गिर फॉरेस्ट है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का? क्या आंसर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा? चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताएंगे भाई आंसर करके क्या यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आंसर कीजिएगा सत्यमेव जयते पहली बार सुनाया गया था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय। श्योर अफजान, क्यों नहीं? चलिए बताएंगे क्या आंसर आप लोगों का यहाँ पे रहेगा, किसके द्वारा सुनाया गया था, किसके द्वारा सुनाया गया था सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, है ना, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन
मालवीय के द्वारा, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय 1916 में BHU की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या बुक के लेखक कौन है? यह आप लोग बताएंगे, यह आप लोग बताएंगे। अमेजिंग अयोध्या इस बुक के लेखक के बारे में आप लोग बताएंगे, बताएंगे शुभ ड्रीम्स। ओके, चलिए बताएंगे। चलिए सो बात करते हैं किसकी बुक है। यह है नीना रॉय की बुक है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आपकी रिपीट होती है काफी बार। चलिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 को किस समय प्रभावित हुआ था? ठीक है, 2019 में प्रभावित हुआ था, जिसके चलते जो कि आर्टिकल 370 के तहत इसे एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसे एबोलिश कर दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर हमारा बन गया एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश यह हमारा बन गया और जम्मू कश्मीर से अलग होकर के उसी समय लद्दाख को भी हमारा अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बताएंगे कि कब हुआ था? बहुत सही मिश्रा, चलिए कब? 31 अक्टूबर, ठीक है, ध्यान रखना 31 अक्टूबर को। देखो बहुत सारी चीजें हैं, एक तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था, तो इनकी जयंती के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था तो इनकी जयंती के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी 31 अक्टूबर 1984 में, 1984 में, ठीक है। और इसी दिन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का एज अ यूनियन टेरिटरी के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 31 अक्टूबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 31 अक्टूबर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के सबसे पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान समय में हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है टाइटन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? बताओ किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यह है? किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यह है? यह आप लोग बताएंगे किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यह है, आंसर कीजिएगा। चलिए बताएंगे, क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा? बहुत सी क्या है, सैटर्न। क्या हो जाएगा? सैटर्न यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि शनि। क्या हो जाएगा? शनि यहाँ पर हो जाएगा, सैटर्न, ठीक है। यदि हम टोटल इसके उपग्रह की बात करते हैं तो कितने उपग्रह हैं? सबसे ज्यादा जो जिस प्लानेट में उपग्रह है वह कौन सा है? शनि है। क्या आप यहाँ पे अभी तक के टोटल उपग्रहों की संख्या बताओगे? क्योंकि अभी लास्ट टाइम ही मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था। चलिए बताओगे क्या आप लोग कि यहाँ पे टोटल उपग्रह की संख्या कितनी है शनि के अंदर? अभी कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, बताओ कितनी है? कोमल बिल्कुल सही है, कितनी है? यदि बात करते हैं तो कितनी है? 82 है। कितनी है? 82 संख्या है। सबसे ज्यादा जो कि उपग्रह हैं वह है शनि के ही हैं प्रेजेंट टाइम में, दूसरे नंबर पर है उसके जुपिटर के, बृहस्पति के। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मौसम में आलू शब्द सुन सकते हैं? रुकिएगा, क्वेश्चन में मुझे कुछ गलती लग रही है। किस मौसम में आप लू शब्द सुन सकते हैं? इन विच सीजन कैन यू हियर द वर्ड लू? लू बताए, किस मौसम में सुन सकते हैं? जो कि बहुत ही गर्म, बिल्कुल सही बात है, जो कि बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं, बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं गर्मियों के समय में, बहुत ही गर्म, सही कहा, लू बहुत गर्म, बहुत हॉट होती है, लू से याद रखना, ये बहुत हॉट होती है लू। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य किया है? किसने किया है सबसे लंबे समय तक कार्य? बताएंगे किसने सबसे लंबे समय तक कार्य किया है? हाय गर्मी, हाँ बिल्कुल,
लू के समय में ऐसा ही मौसम होता है जिसमें कि आप लोग हाय गर्मी क्या करके बोलते हो। चलिए बताएंगे बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। देखो इस क्वेश्चन को याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये है हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1950 जनवरी से ही शुरू हो गया था, 1950 जनवरी से ही यह शुरू हो गया था और 1962 तक यह रहे थे, समझ रहे, लगभग 12 वर्ष तक, लगभग 12 वर्ष तक यह रहे हैं देश के राष्ट्रपति, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए, यह आपको बताना है। काजीरंगा की बात करते हैं कहाँ पर है, असम में है, किस नदी के किनारे पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है, और भारत में जो कि विश्व धरोहर स्थल है, जो कि नेचुरल साइट है, जो कि नेचुरल साइट है, उनमें से यह एक है, जो कि भाई नेचुरल साइट है उनमें से यह एक है, उनमें से यह एक है, ठीक है, उनमें से यह एक है, यह आप लोग बताएंगे इसके बारे में। सुखी बिल्कुल सही है। किसके लिए यह है, एक सिंह वाला जो कि गैंडा है, ठीक है, वन हॉर्न राइनो के लिए यह फेमस है, ठीक है, एक श्रृंगी गैंडे के लिए यह फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिनकी क्लास पीछे चल रही है वो जरा एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा और एकदम करंट टाइम पे आ जाइएगा, जो कि हम लोग 32 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। पेरियार की बात करते हैं, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, जो कि पेरियार नदी के किनारे पर स्थित है, और पेरियार कहाँ पर है, यह है आपका केरल में, कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है, कहाँ पर है, केरल में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे, बताएंगे, जो कि भाई यहाँ पे अवध में जो कि मूवमेंट चला था कृषकों के लिए, फार्मर्स के लिए, सो उसके लीडर कौन रहे हैं, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, या फिर अल्लूरी सीताराम राजू, कौन रहे हैं यह आप लोगों ने बताना है, कौन रहे हैं यह आप लोग बताएंगे आंसर करके, कौन रहे हैं, बाबा रामचंद्र, बिल्कुल सही बात है, कौन रहे हैं, बाबा रामचंद्र, जो कि आप लोगों को ए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, बाबा रामचंद्र, कौन रहे हैं, बाबा रामचंद्र यहाँ पर रहे हैं। चलिए सो आगे बढ़ चलते हैं कि ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, ओखला पक्षी अभयारण्य जयपुर, ग्राम गुरुग्राम, भरतपुर, या फिर नोएडा, कहाँ पर यह स्थित है, कहाँ पर पक्षी अभयारण्य जो कि ओखला है यह स्थित है, यह आप लोग बताएंगे, बाबा रामचंद्र जी, बिल्कुल स्नेहा। चलिए बताएंगे, ओ अभिलाषा नेट मिल गया उधार, चलिए बताएंगे क्या आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, आंसर करके बताएंगे क्या भाई आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही है, यदि बात करते हैं कहाँ पर है, नोएडा में है, कहाँ पे है, ओखला जो जगह है कहाँ पर है, यह नोएडा में है ओखला जगह, और यहाँ पर ही पक्षी अभयारण्य है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, शुद्र ग्रह मलबे का घेरा, शुद्र ग्रह जो कि एस्ट्रॉइड होते हैं, डिब्रीज, एस्ट्रॉइड की जो कि डिब्रीज होती है और इनका जो कि सर्कल बना हुआ होता है, घेरा बना हुआ होता है, वह निम्नलिखित ग्रहों में से किसके बीच पाया जाता है, किसके बीच पाया जाता है, ये डिब्रीज वर्ड एक याद रखिएगा, डिब्रीज जो कि वर्ड है ना, यह मलबे के लिए यूज किया जाता है, मलबे के लिए यूज किया जाता है, 2019 में यह एक वर्ड नया निकल करके आया था डिब्रीज, और यह उस चीज के मलबे को बोला जाता है, यहाँ पे इन्होंने एस्ट्रॉइड के लिए यूज किया है क्वेश्चन के अंदर, बट बाकी यह उस मलबे के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है, तो वहां पर भाई वो है एक समय तक काम करेगी, उसके बाद वह डेड हो जाएगी, फिर हम तो कम्युनिकेशन के लिए दूसरी या फिर अदर चीजों के लिए दूसरी सैटेलाइट भेज देंगे, लेकिन वो तो वहां पर ही रहेगी ना, तो अंतरिक्ष में भी बहुत सारा मलबा जो इकट्ठा हो रहा है वह भी कहीं ना कहीं एक रीजन बन रहा है कि भाई मतलब विस्फोट, अगर वह आपस में मिलकर के एक चीजें बन गई तो बहुत भयंकर विस्फोट हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा,
तो उनको डिब्रीज कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में, कहां पर? मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड डिब्रीज पाई जाती हैं, एस्ट्रॉइड डिब्रीज यहाँ पर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जाना जाता है, यह है आप लोग बताएंगे। यू तो यदि हम बात करते हैं तो सबसे ठंडा जो प्लानिट है वह कौन सा है, कौन सा है? अरुण, वरुण। सो वरुण, वरुण जो कि है, जो कि सबसे लास्ट वाला आता है यह है, और उससे पहले आता है अरुण। सो ये दोनों प्लानिट सबसे ठंडे हैं क्योंकि इनकी डिस्टेंस सूर्य से सबसे ज्यादा है ना। बट यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा होगा? शुक्र तो होगा नहीं, सूर्य से दूसरे बारी पर आ जाता है, ठीक है। मंगल नहीं है, शनि नहीं है, बृहस्पति आपका होगा आंसर। क्या होगा? जुपिटर। क्या हो जाएगा? जुपिटर। जुपिटर जाना जाता है एज अ विंटर प्लानिट के नाम से, जुपिटर जाना जाता है एज अ विंटर प्लानिट के नाम से। किस क्षेत्र में जलवायु निर्माण के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक निम्न में से कौन सा है? किसी भी क्षेत्र में जब जलवायु का निर्माण होता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं, मतलब कि जो कि महत्वपूर्ण रीजन बनाते हैं जलवायु के बनने का। अनूप, देखते हैं चीजें सभी जल्दी से सही हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं, बताएंगे आंसर करके आप लोग। क्या आंसर भाई आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा? क्या अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा? यह है आप लोगों ने बताना है आंसर करके। ओल, अच्छा, ताप भी, आर्द्रता भी, वायुमंडलीय दाब भी, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए टेम्परेचर भी कारक होता है, रीजन एक बनता है ना। उसके बाद ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता भी बनती है, कैसी है? उसके बाद वायुमंडलीय, बिल्कुल, एटमोस्फेरिक जो कि प्रेशर होता है वह भी इसका रीजन होता है। सो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर आपका हो जाएगा। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जो अन्य ग्रहों के विपरीत घूमता है? बताओ, सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा वह कौन सा ग्रह है जो कि ग्रह घूमते हैं ना। नॉर्मली ग्रह कैसे घूमते हैं? नॉर्मली ग्रह आपके ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, आप जानते हैं। तो इसके विपरीत जो घूमता है तीसरा सबसे बड़ा वह कौन सा है? दिव्या आंसर कीजिए, वह कौन सा है? मोस्ट वेलकम निक, चलिए बताएंगे। यूरेनियस, बिल्कुल सही बात है। कौन सा है? यूरेनस है। कौन सा है? यूरेनस है। यूरेनस है, कौन सा है? यूरेनस है, जो कि सबसे बड़ा है। यदि सबसे बड़ा नहीं कहा जाता, यदि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह नहीं कहा जाता, ठीक है, सिर्फ कहा जाता जो कि विपरीत घूमते हैं, तो वह दो हैं, एक तो शुक्र और एक यूरेनस, ये दोनों विपरीत घूमते हैं। इसमें से यदि मैं शुक्र की बात करती हूँ, रुकिए, शायद मैंने, रुको 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 रुको, मैंने ईस्ट टू वेस्ट आपको गलत बता दिया, रुकिएगा। नॉर्मली जो ग्रह हमारे होते हैं पृथ्वी का, ये ईस्ट होता है और यह वेस्ट होता है। सॉरी, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, वो मैंने गलती से लिख दिया था। ग्रह जो होते हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से वह घूमते हैं, है ना। और जो यहाँ पर शुक्र होता है यह ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। और जो यूरेनस होता है ना, ये एक तरह से रोल करता है, ठीक है, जैसे कि यह प्लानिट है तो यह नॉर्थ टू साउथ रोल करता है। देखा है ना, एक रोलर मशीन आपने देखी होगी, वो रोल करती है इस तरह से, तो यूरेनस जो होता है वह रोल करता है, ठीक है। और शुक्र ईस्ट टू वेस्ट घूमता है और बाकी जो प्लानिट है वह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ये थोड़ी सी लैंग्वेज गलत हो गई थी, इसके लिए सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, चलिए अब हम लोग यहाँ पे द नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ चलते हैं जी। आलोक यादव, आप आंसर कीजिए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं?
उत्तर प्रदेश में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, यह है आप लोगों को बताना है आंसर करके, बताएंगे कौन सी उगाई जाती हैं इनमें से, बताएंगे बताएंगे। चलिए देखो, यहां पे उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल भी होती है, रबी की फसल भी होती है, जायद की फसल भी होती है, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद खरीफ फसल के बारे में याद रखना, खरीफ फसल जो कि है यह जून से नवंबर के समय में होती है, जून के समय में उगा करके नवंबर के समय में इसको काट लिया जाता है। यदि रबी की फसल की बात करते हैं तो इसे नवंबर के समय में उगा करके अप्रैल के समय में इसको काट लिया जाता है, अप्रैल से मई के समय में। उसके बाद जायद फसल जो होती है यह होती है आपकी जो कि मई और जून के महीने के बीच में होती है। जैसे कि जायद फसल की बात करूं तो जैसे ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, ठीक है, यह कैसी है, यह आपकी आ जाती है जायद फसल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बेमेल है, बेमेल इट मीन्स मेल नहीं खाता, इनमें से वह कौन सा कथन है जो कि मेल नहीं खाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। एक और दो मेल नहीं खाते हैं, या दो मेल नहीं खाता है, या तीसरा मेल नहीं खाता है, बताएंगे कौन सा यहाँ पर मेल नहीं खाता है, बताएंगे यह आप लोग आंसर करके। तीनों के ऊपर विचार कीजिएगा, फिर आप लोगों को बताना है इसके बारे में। सबसे पहला है आपका कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य यह बहराइच जिले में है, उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का कौन सा यहाँ पे, ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का कहाँ पर आ जाता है, बखीरा पक्षी अभयारण्य, क्या यह वाराणसी में है, बताएंगे जरा क्या यह आपका वाराणसी में है, क्या यह आपका वाराणसी में है, वाराणसी में नहीं है, अगर वाराणसी में नहीं है तो फिर कहाँ है, बताओ जरा, बखीरा, वैसे यही गलत है। चंद्रभागा की बात करते हैं तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, यह भी सही है। बखीरा की यदि हम बात करते हैं तो कहां पर है बखीरा, ओके शुभम, फिर कौन सा होगा ये बताओ जरा, संत कबीर नगर, बिल्कुल सही बात है, कहां पर होगा, संत कबीर नगर यह होगा, संत कबीर नगर यह होगा, ठीक है, जो कि आपके नगर यह होगा, जो कि आपका नियरेस्ट गोरखपुर के यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर कौन सा मेल नहीं खाता है, बी ऑप्शन वाला, बी ऑप्शन वाला मेल नहीं खाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, बताओ, ये तो आप लोग को रट ही जाएगा क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। हमने 8 राज्यों के बारे में देखा था ना, 8 राज्य कौन कौन से 8 राज्य थे, गुजरात था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, तो कौन सा यहां पर नहीं गुजरता है, असम राज्य, असम राज्य से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, शिवानी कोर्स उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इसीलिए वह बंद कर दी है, कोई नहीं, आप यहाँ पे कर सकते हो शिवानी प्रैक्टिस तो, ठीक है, प्रैक्टिस तो आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य चंडीगढ़ में स्थित है, कौन सा अभयारण्य चंडीगढ़ में स्थित है, यह आप लोग बताएंगे। कराकोरम वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो यह आपका पार्क ऑक्यूपाइड वाले एरिया में आ जाता है, तो ये तो नॉर्मली चंडीगढ़ में है ही नहीं, यह तो ऐसे ही अलग यहाँ पर हो जाता है। आगे बताएंगे कौन सा फिर यहाँ पे होगा, कौन सा यहाँ पर होगा, बताएंगे बताएंगे कौन सा यहाँ पर होगा, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा,
गुड मॉर्निंग। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखो यदि हम चेल की बात करते हैं जिसे कि छेल भी कहा जाता है, कभी कभी छेल या चेल कहा जाता है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नेचर पार्क कुफरी की बात करते हैं तो कुफरी कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड सुखना, सुखना वन्य जीव अभयारण्य जो कि है यह चंडीगढ़ में है, ठीक है। और सबसे फेमस चंडीगढ़ में जो कि गार्डन है वह कौन सा है? रॉक गार्डन, जो कि नेक चंद के द्वारा बनाया गया था। रॉक गार्डन सबसे फेमस है और मतलब चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से बहुत ही इनकम होती है यहाँ की गवर्नमेंट को। एंड इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था, नेक चंद के द्वारा यह बनवाया गया था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, जुलाई 2020 में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने का निर्णय लिया है? किसने निर्णय लिया है यह आप लोग बताएंगे। जी बिल्कुल नागिन जी, आप पीछे बैठ जाइए। शिवम हेलो, चलिए प्रमोद विकास चौधरी जी, ओके चलिए बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। अभी बना नहीं है लेकिन इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे है? असम राज्य में है, असम राज्य में है, ठीक है। इसे नेशनल पार्क के रूप में बनाया जा रहा है ताकि असम की गवर्नमेंट को नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यहां से इनकम मिल सके, एक इनकम का सोर्स हो जाएगा ना। चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भौगोलिक क्षेत्र के वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करता है? कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रभावित करता है भौगोलिक, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र के वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करता है? ऊंचाई करती है, तापमान करता है, पृथ्वी का घूर्णन करता है, या फिर यह सभी? रुचिका सिंह, ओके बिल्कुल सही है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रभावित करता है, कौन सा प्रभावित यहाँ पर करता है यह आप लोग बताएंगे। ओल बिल्कुल सही बात है, ऊंचाई भी करती है, तापमान भी करता है, पृथ्वी का घूर्णन करना भी करता है, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड उपरोक्त सभी, यह सभी के सभी फैक्टर प्रभावित करते हैं, ठीक है, भौगोलिक डिफरेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट आ जाता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? एफ आर आई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यहाँ पे आपको ना बहुत पुरानी पुरानी और बहुत ही डिफरेंट टाइप की वुड आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। लकड़ी यहाँ पे आप लोग को बहुत ही डिफरेंट टाइप की देखने के लिए मिलेगी और बहुत बड़ा है एफआरआई और मतलब अच्छा बना हुआ है। कभी आप विजिट करें देहरादून तो जरूर जाइएगा देखने के लिए। एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है। सांसे क्या हो जाएगा आप लोगों का? भानु प्रताप, क्लास के बारे में मैंने इन्फॉर्म किया था, 1 बजे से क्लास चल रही है, 1 PM से यह क्लास हमारी चल रही है और इसके बारे में इन्फॉर्म मैंने आप लोगों को बहुत पहले किया था। चलो आगे चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताएंगे कि जनवरी 2020 में राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कितनी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी थी? मतलब कि यदि हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में तो इनकी जो कि डेथ एनिवर्सरी हुई, एनिवर्सरी थी जनवरी 2020 में, कब? 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी डेथ एनिवर्सरी के, डेथ एनिवर्सरी को। तो आप लोग ये बताएंगे कि कौन से नंबर की थी 2020 में, 2020 में कौन से नंबर की थी यह आप लोग बताएंगे। कौन से नंबर की थी? 72वें नंबर की। और 73वें नंबर की 2021 में रही है, ठीक है। इस बार कौन से नंबर की थी? 73rd नंबर की थी इस बार, इस बार मतलब कि जो कि अभी हम लोग मना चुके हैं, ठीक है। चलिए 73rd नंबर की थी इस बार 2021 में। टाइटन निम्नलिखित में से किसका, ये तो हम लोग कर चुके हैं, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? किसका है? शनि का। किसका है? शनि का है। किसका है? शनि का है। चलिए, तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? वो क्वेश्चन ना रिपीटेड था, वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तुलसी मानस मंदिर
कहाँ स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, बताएंगे बताएंगे कहाँ पर है? अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी की आगरा, कहाँ पर है? कहाँ पर है, आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही, कहाँ पर है? यदि हम इसकी बात करते हैं तो कहाँ पर है, यह है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है, जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? क्या हो जाएगा? वाराणसी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पर चलते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस पार्टी से संबंधित है? वर्तमान समय में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है, जो कि 17th लोकसभा के स्पीकर हैं, है ना? वर्तमान समय में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। तो ये किस पार्टी से हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कि राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी, किस पार्टी से हैं बताएंगे? किस पार्टी से हैं यह है आप लोग बताएंगे? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? बिल्कुल सही बात है, किस पार्टी से हैं? यह है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? 1980 में। कमल का फूल इनका प्रतीक चिन्ह है एंड 1980 में इनका गठन हुआ है, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी प्लस अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा गठित किया गया है ना? गठित किया गया है, क्लियर है? याद रहेगा। प्रेजेंट टाइम में जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है बीजेपी पार्टी के? जेपी नड्डा अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, जिसे कि हम प्रेसिडेंट कहेंगे पार्टी का, कौन है? यह है जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यह आप लोग बताएंगे। चलिए बताएंगे इनके बारे में आप लोग आंसर करके यहाँ पे कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, यह है आप लोगों को बताना है। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बिल्कुल सही है। बात करते हैं कौन थे यहाँ पे, यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं जो कि 1975 की आपातकालीन के समय थे, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है? उसके बाद यदि हम नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो यह सबसे यंग हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जाकिर हुसैन, जिनका जो कि पहले राष्ट्रपति हैं, जिनका की जिनकी डेथ अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, और फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति भी यह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की भारत की रैंक यहाँ पर क्या है? और 2021 में भी भारत की रैंक सेम ही आई है, भारत की रैंक सेम ही आई है, बताएंगे कितनी रैंक यहाँ पर रही है, कितनी रैंक यहाँ पर रही है? मंडे को 2 बजे क्लास होगी, मंडे को आपकी क्लास 1 होगी, 1 बजे नहीं होगी, 2 बजे होगी, और क्वेश्चंस की होगी, ठीक है? क्वेश्चंस की होगी, कभी कभी टॉपिक भी करा दूंगी मैं, स्पेशल इवेंट उठा लिया करेंगे कोई टॉपिक का अपना, और बाकी आप लोग को जिसकी ज्यादा नीड होगी, आपको समझना होगा, आप मुझे बता दीजिएगा, वो मैं करा दूंगी। चलिए क्या हो जाएगा? 142, 142 रैंक है, हम 142 रैंक पर है। फर्स्ट पर यदि बात करते हैं कौन सा देश है फर्स्ट पर? नॉर्वे, नॉर्वे है फर्स्ट रैंक पर। अच्छा ये बताइए, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यह किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है, यह है आप लोग बताएंगे आंसर करके। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 30 मई को, 30 मई को प्रेस फ्रीडम इंटरनेशनल
प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है, ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। बताओ किसके द्वारा जारी की जाती है यह रैंक, किसके द्वारा यह रैंक भाई जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चंस की बहुत खुशी हुई जया जी, बिल्कुल स्नेहा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि अमेरिका की एक एनजीओ की तरह का काम करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वह जारी करती है इस रैंक को। चलिए सो आगे बढ़ चलते हैं कि विजय घाट किसका स्मारक है। मैंने अभी 2 बजे की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था किसके बारे में, समाधि स्थल के बारे में, अभी लास्ट वीक ही आई थिंक मैंने आप लोगों को समाधि स्थल के बारे में पढ़ाया है, इस वीक ही पढ़ाया है, मैंने मंडे को पढ़ाया था आप लोगों को, सोमवार को, जिन्होंने वह क्लास नहीं की है सर्च करके कर लीजिएगा, मैंने समाधि स्थल के बारे में क्लास में याद करके कराया था आप लोगों को कि आप लोग याद भी कर लो तुरंत ही, ठीक है। तो विजय घाट किसके समाधि स्मारक है जी, बिल्कुल विशाल सिंह, किसका है, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, इसको याद कर सकते हो कि जो बहादुर होते हैं वह हमेशा विजय होते हैं, जो बहादुर होते हैं वो लोग हमेशा विजय होते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, राज, अभी तक हमारे महात्मा गांधी सभी के दिलों में राज करते हैं। सो राजघाट कहाँ पर है, राजघाट पर है, इंदिरा गांधी, महिला, महिला हमेशा शक्ति होती है, ठीक है, शक्ति, महिला की बात करेंगे तो महिला की तो शक्ति अपरंपार है, महिला की शक्ति के आगे कोई ठहर ही नहीं सकता। तो यदि इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो शक्ति स्थल जी, बिल्कुल। चले सो आगे बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, ठीक है, और जरा ये भी बताओगे, बहुत बार बता चुकी हूं मैं, फिर से पूछ रही हूं क्योंकि मैं हर बार पूछती हूं कि ये जो स्लोगन है, ये जो स्लोगन है जो कि भाई नारा है, वह किसने दिया था भारत छोड़ो का, भारत छोड़ो का जो कि स्लोगन है वह तो गांधी जी के द्वारा फेमस किया गया था, लेकिन ये स्लोगन दिया किसने था, हर्ट ने बोलिए, समझ नहीं आया, हर्ट ने बोलिए, इट मींस जी, बिल्कुल शिवम, यदि बात करते हैं कहीं कहीं पे आपको 9 अगस्त भी मिलता है, कहीं कहीं पर 8 अगस्त भी मिलता है, लेकिन देखो 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसकी यादगार में अभी भी दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को, तो इसलिए आप लोग 8 अगस्त यहाँ पर याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942। बताएंगे किसने नारा दिया था, अमन जी बिल्कुल, किसने किसने नारा दिया था, मैं क्वेश्चन पे तभी आगे बढ़ूंगी जब आप लोग बताएंगे कि ये नारा किसने दिया था। एनके सिंह, क्लास जो की है वह आपकी, मतलब टोटल हमारे 80 क्वेश्चन है आज क्लास में, 80 प्लस में ही है क्वेश्चंस, सभी पूरे जब तक नहीं कर लेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी क्लास में जब तक आप लोग आंसर नहीं कर देंगे इसका। हाँ, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, यह स्लोगन किसने दिया था, बताओगे, यूसुफ मेहर अली, अरे भाई गांधी जी ने नहीं, कैसे करो आप लोग, कैसे करोगे, यूसुफ, दोबारा से लिखती हूँ, ये गलत हो गया हमारा, यूसुफ मेहर अली, कान से ना बांध के रख लो बिल्कुल एकदम, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, मैं पूछती हूँ हर बार और हर बार आप लोग नहीं बताते हो, कमाल की बात है, मेरे पूछने की नहीं, अब जान अरुणा सफल ने नहीं दिया था, मेरे पूछने की इंतहा नहीं हो रही और आपके भूलने की इंतहा नहीं हो रही, मतलब हद हो गई है, हद हो गई। जया बहुत लेट आंसर किया आपने, निक आपने भी याद रखना अच्छे से, गांधी जी ने पॉपुलर किया था, गांधी जी ने इस समय करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, यूसुफ मेहर अली। चले ये हमारे स्टैटिक के फैक्ट आते हैं इसलिए मैं उन पर फोकस करती हूँ, स्लोगन आपको याद करना, कौन सा स्लोगन किसने दिया है,
कब पॉपुलर हुआ है, तो ये जो पार्ट आ जाता है ना, यह पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके आ जाता है, जिसमें आप स्लोगन उपनाम याद करते हो। चलिए, कछुआ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे पहला कछुआ अभयारण्य यह बनाया गया था, और यह कहाँ पर है? कहाँ पर है बताएंगे? भारत का सबसे पहला कछुआ अभयारण्य कहाँ पर बनाया गया था बताओगे? कहाँ पर? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, स्पेशली कछुए के लिए अभयारण्य बना था। कहाँ पर? 23 मई को। जी बिल्कुल शिवम, 23 मई को मनाया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी में। बिहार में तो डॉल्फिन के लिए बना है, डॉल्फिन के लिए। बिहार का सबसे पहला डॉल्फिन के लिए एज अ म्यूजियम के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, संग्रहालय। वह इस तरह से बनाया गया है ताकि टूरिस्ट डॉल्फिन देख सके। ठीक है, तो वह आपका बना है बिहार में। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। विमान से उड़ान भरने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है ना? विमान से उड़ान भरने के लिए भाई किस किस में उड़ान भरी जाती है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल की शोभ मंडल बताएंगे। यह आपका आ जाता है शोभ मंडल, यह आपका आ जाता है समताप मंडल, फिर आयन मंडल, देन मध्य मंडल। बताएंगे यहां पर क्या आपका हो जाता है, क्या यहां पर आपका हो जाएगा? कहां पर? देखो, बादल वगैरह फटने की जो प्रक्रिया होती है ना, वह शोभ मंडल के अंदर होती है। ऊपर का एनवायरमेंटल बिल्कुल साफ होता है, इसीलिए जो कि प्लेन होते हैं, जो कि यहाँ पे विमान होते हैं, वह यहाँ उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बादल फटने की सिचुएशन नहीं होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब कि समताप मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को हवाई अड्डों के बारे में दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, हवाई अड्डों के बारे में दिया गया है। इसमें से कोई एक विकल्प है जो कि गलत है, सही तरह से मेल नहीं खाता, और वही आपको पहचानना है कि वह कौन सा है जो कि सही तरह से मेल यहाँ पर नहीं खा रहा है। ठीक है, यदि हम पहले की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्होंने इलाहाबाद में दिया है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्होंने लखनऊ में, बमरोली हवाई अड्डा इन्होंने इलाहाबाद, और हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। तो चलिए बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, बताएंगे। बताएंगे यहां पे रोंग कौन से रोंगे? ए रोंगे। ओके, तो फिर ओए कहां पर है? बिल्कुल सही बात है। यदि हम लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की बात करते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश के साहागंज डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के साहागंज यह डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपका पड़ता है। साहागंज आपका डिस्ट्रिक्ट में यह आपका पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? तो आपका जो कि आंसर है क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए इलाहाबाद में यहाँ पर नहीं पड़ता। बाकी चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, बमरोली हवाई अड्डा आपका इलाहाबाद में, हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में, यह आपका पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? बाकी आप जानते ही हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है, और शाहगंज डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका सर्विस प्रोवाइड करता है वाराणसी को, क्या करता है? वाराणसी को। ठीक है, यहाँ पर यह है बना हुआ है। क्लियर है? चलिए देन आगे बढ़ते हैं। लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है बताएंगे? लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है, यह आप लोग बताएंगे। किसको जाना जाता है लोकनायक के रूप में? शिवम, ये वाराणसी में है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में है। क्लास कब तक चलेगी? आप लोग खुशी से पूछ रहे हो कि दुख से पूछ रहे हो? चलिए, चित्रंजन दास की बात करते हैं, तो इन्हें देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु के नाम से चित्रंजन दास को जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के रूप में। अश्वनी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है अश्वनी, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा। चलिए द नेक्स्ट है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे बताएंगे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं, 24वें तीर्थंकर जो कि रहे हैं वह वर्धमान रहे हैं। कौन रहे हैं? वर्धमान रहे हैं, 24वें तीर्थंकर, जिन्हें कि महावीर के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में। महावीर 24वें नंबर के रहे हैं। जी बिल्कुल, अभिलाषा आई थी। चलिए
तो सबसे पहले कौन है? ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव। ऋषभ देव रहे हैं सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, त्रिवेणी संगम जो कि है भाई उत्तर प्रदेश का, यह त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सी तीन नदियां यहाँ पर मिलती हैं? कौन सी तीन नदियां यहाँ पर मिलती हैं? कौन सी तीन नदियां यहाँ पर मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। बाकी सरस्वती तो वो बोल ही देते हैं कि देखो वो आ रही सरस्वती। और सरस्वती मतलब कि इस समय पर बस नाम के लिए ही रह गई है, मतलब पानी नहीं है सरस्वती नदी में। तो बाकी मतलब त्रिवेणी कभी रहा तो है, तो ये जगह रही है त्रिवेणी संगम की, गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलती हैं आकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में बहु मतलब सबसे ज्यादा बहुयात के संबंध में दूसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, सेकंड नंबर पर है। सबसे ज्यादा जो कि गैस पाई जाती है अर्थ के एटमोस्फेयर में, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है बताएंगे? बताएंगे बिल्कुल सही बात है। कौन सी है? ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पर। कौन सी है? दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा। और यदि मैं बात करती हूँ कितने परसेंट, तो लगभग 21% पाई जाती है तीसरे नंबर पर। सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद यदि मैं बात करती हूँ थर्ड नंबर पर, यदि मैं बात करती हूँ तो यह आर्गन पाई जाती है 0.93% के समथिंग में, 0.93। और फोर्थ नंबर पर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, पाई जाती है जो कि 0.04% पाई जाती है। सो कार्बन डाई का रेशो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है यह आप लोग बताएंगे, जिन्होंने कि अर्थशास्त्र बुक को लिखा है। जी बिल्कुल, जिन्होंने कि अर्थशास्त्र बुक को लिखा है बताएंगे कौन है? बताएंगे आंसर करके कि वह कौन है, कौन है? कौटिल्य। बिल्कुल सही, कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे हैं, यह रहे हैं, ठीक है। बल्कि चंद्रगुप्त को एज अ शासक बनाने का जो काम है ना, वह चाणक्य ने ही किया है, ठीक है। अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब एक होता है ना इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया था अपनी इस बुक के अंदर, बल्कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की जो चीजें रही थी राजपाट की, उनके बारे में जिक्र किया था इस बुक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? यह आप लोग बताएंगे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह बताएंगे कहां पर है? बिल्कुल सही है। कौन सा है तैरता हुआ? केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ है, केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में तैर रहा है। लोकटक झील में तैर रहा है, कहां? मणिपुर राज्य में तैर रहा है, ठीक है। मतलब तैरता हुआ है, और भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी, इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि हमारे भारत केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यदि हम एराविकुलम की बात करते हैं, तो यह नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल राज्य में है, जिसकी सीमा तमिलनाडु से भी लगती है। सिमलीपाल की बात करते हैं, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। नामदफा की बात करते हैं तो कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुण नाम अच्छा है, इस तरह से नाम दफा मैंने याद किया हुआ है, नम दफा याद किया हुआ है अरुण के नाम से।
आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है इसलिए मैं ही आंसर किए देती हूँ, शुक्र और मंगल के बीच में है। ठीक है, वीनस और मार्स के बीच में है, वीनस और मार्स के बीच में है, वीनस और मार्स के बीच में है। चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बताएंगे, चमड़े के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इस ओके अंजू, चलिए बताएंगे, चमड़े के उद्यान के लिए कौन सा फेमस जिला है यहाँ पे, यह आप लोगों को बताना है, कौन सा फेमस जिला है? कानपुर तो है ही, बिल्कुल, लेदर सिटी कहा जाता है कानपुर को, ठीक है, कानपुर को कहा जाता है, और बाकी आगरा भी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगरा और कानपुर लेदर गुड्स के लिए काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है कानपुर और आपका आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखना, पटना वाइल्ड लाइफ स्वामी, कौन सा है? पटना वाइल्ड लाइफ स्वामी, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें मैं आंसर कर देती हूं आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जलदा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? जलदा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही बात है, किस में स्थित है? यह है आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, एक साहसी महिला, अरुणिमा सिन्हा, एक साहसी महिला है अरुणिमा सिन्हा। ओके शोभा, अच्छी बात है, चुपचाप सीरियस होकर के पढ़ाई करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, अरुणिमा सिन्हा की यदि हम बात करते हैं तो इनके साहस भरी, आपने साहस भरी कहानी सुनी ही होगी कि अपने पैर गवा देने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया में कुछ कर दिखाने की इन्होंने ठानी, और पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने की विंसन की चढ़ाई की थी अंटार्कटिका पे, और माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की हुई है इन्होंने। कौन है? पर्वतारोहण है, मतलब कि माउंटेनियर के रूप में यह जानी जाती है अरुणिमा सिन्हा। आगे बढ़ चलते हैं, उत्तर पूर्व मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा का जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वह किस राज्य में होती है? इसमें भी कोई पॉलिटिक्स भी आंसर कर रहा है। कोई पॉलिटिक्स भी आंसर कर रहा है अरुणिमा सिन्हा की मैसेज में, मतलब कि क्वेश्चन पे अरुणिमा सिन्हा नहीं है, मतलब अरुणिमा सिन्हा पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करती है बल्कि पर्वता रोहण वह है तमिलनाडु में। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे भारत की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहां से उत्तरी पूर्वी जो मानसून आते हैं वह आपके वर्षा कराते हैं, कहाँ पर? यह कराते हैं तमिलनाडु वाले एरिया में, कहाँ पर? तमिलनाडु वाले एरिया में कराते हैं। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अभी 11 बजे की क्लास में ही मैंने बताया था इसके बारे में, अभी अपनी 11 बजे की क्लास में ही मैंने इसके बारे में बताया था। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? ठीक है, कौन सा ग्रह जो कि पृथ्वी के समान है? जी बिल्कुल, जो आसान से क्वेश्चन है उनको मैं जल्दी ही करा करके स्किप कर रही हूँ। चलिए, आप लोग पर लाइक नहीं कर रहे हो क्लास को, ये गलत बात है, क्लास तभी दूसरे बच्चों के लिए रिकमेंडेड होगी जब आप लोग लाइक करेंगे क्लास को। बताएंगे जरा आंसर करके यहाँ पे। सही बात है, कौन सा है? शुक्र, जो कि हमारी मौसी कही जाती है। आकार में भी यह आकार में पृथ्वी के समान है, आकार में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे ट्विन सिस्टर, इसीलिए इसे
ट्विन सिस्टर कहा जाता है पृथ्वी की, है ना, और इसीलिए हम शुक्र को कहते हैं मौसी। क्या कहते हैं? मौसी, क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी की ही जुड़वा बहन है मौसी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए बताओ? कितनी चाहिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और यदि विधानसभा की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की जो संख्या है 403, वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी सबसे ज्यादा संख्या 100 है और वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र। कितनी होनी चाहिए? 25 उम्र आपकी होनी चाहिए यदि आपको बनना है विधानसभा का सदस्य। निम्नलिखित में से किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है बताओगे? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें की हॉकी के जादूगर कहा जाता है, 1905 में, 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है। और इनके नाम पर जो कि बना हुआ है, इनके नाम पर यदि हम बात करते हैं जो कि बना हुआ है, वह कहां पर बना हुआ है? सेफई में बना हुआ है। कहां पर? सेफई में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के सेफई में बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बताओ? कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कि आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह है आप लोग बताएंगे, जो कि यहां पर स्थित है, कहां पर है यह है बताओ। बांदीपुर की बात करते हैं कहां है? कर्नाटक में है। वाल्मीकि की बात करते हैं तो कहां पर है? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। अमानगढ़ की बात करते हैं कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर क्या हुआ? नमदाफा, नमदाफा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, नमदाफा, नमदाफा, ठीक है। अरुण से याद रख सकते हैं, अरुण। किसी भी राज्य का नाम किसी पर्सन के नाम पर नहीं बनता, इकलौता यहां पर अरुण राज्य अरुणाचल प्रदेश से अरुण नाम बनता है, तो अरुण नाम, अरुण नाम, अरुण नाम, इस तरह से लिंक करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं कि नर्मदा नदी, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है नर्मदा नदी बताएंगे? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है यह आप लोग बताएंगे। किस स्थान से निकलती है बताएंगे? कौन से, क्या हो जाएगा बताएंगे? बिल्कुल सही है। कहां से निकलती है? यह निकलती है अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी को लाइफ लाइन कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात, एमपी एंड गुजरात, गुजरात। एक ह्यूज मात्रा में, एक ह्यूज यदि हम बात करते हैं तो एक ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन यह देती है वाटर में, कॉन्ट्रीब्यूशन यह देती है वाटर में। और कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में यह गिरती है, ठीक है। और लंबाई की यदि हम बात करते हैं, इसकी लंबाई कितनी है तो 1312 किलोमीटर, 13-12 करके याद रखना, 13-12, ठीक है, 13-12। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 13-12 ऐसे करके याद कर लेना, किलोमीटर 13-12, ठीक है। नर्मदा नदी की यह लंबाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यह आप लोग बताएंगे। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? हरिओम जी, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ चलझुट्टी की कहानियां नहीं सुना रही हूँ, अपना अपना डायलॉग है, बट हम लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, एस्चुरीज बनाते हैं, जो नदियां अरब सागर की ओर गिरती हैं वह एस्चुरीज बनाती हैं, जो बे ऑफ बंगाल की साइड गिरती हैं वह डेल्टा बनाती हैं,
और यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो काजीरंगा हुआ, डिब्रू से खोवा हुआ, औरंगा हुआ, कहाँ है यह? सभी के सभी असम में है। कहाँ पर है? असम में है। यहाँ पर जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? यह है सिक्किम में। सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है और वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जो कि मिक्स्ड साइट में शामिल है, जो कि मिक्स्ड साइट में शामिल है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इनको। एक तो आर्टिफिशियल में, मतलब कि कृत्रिम जो कि चीजें हैं उनमें, एक नेचुरल में जो कि प्राकृतिक तरीके से बनी हुई है, एक है मिक्स्ड मतलब कि जो कि नेचुरल भी है और उनको बनाया भी गया है, तो वह है कंचनजंगा। वह कौन सा है? कंचनजंगा वह है। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश या फिर महाद्वीप में कहाँ स्थित है? कहाँ पर यह स्थित है यह आप लोग बताएंगे। सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान बताएंगे कहाँ पर स्थित है। सहारा डेजर्ट के बारे में बताएंगे, बताएंगे सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की बात करते हैं तो वर्ल्ड में, वर्ल्ड लार्जेस्ट है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। डेजर्ट के रूप में जाना जाता है मतलब कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। बाकी यदि हम हॉटेस्ट, ठीक है, यदि सिर्फ हम बात करें कि वर्ल्ड वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट, यदि हम बात करते हैं तो यह लुट डेजर्ट है। लुट डेजर्ट यह होगा, लेकिन जैसे कि लार्जेस्ट की बात की गई है तो सहारा होगा। और कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ पर है? अफ्रीका में यह है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। यदि मैं इसके एरिया की बात करूं तो लगभग 9.2 मिलियन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। अफ्रीका का जो कि नॉर्थ वाला पोर्शन आपका आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट वाला, यहां पर यह फैला हुआ है। ठीक है, यहां पर यह फैला हुआ है, जो कि आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण परत जो कि है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ ऑफ एटमोस्फेयर कौन सी है? बताएंगे कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है यह है आप लोग बताएंगे। शोभ मंडल, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं यहीं पर ही घटती हैं, शोभ मंडल, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लगभग 18 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। क्या? शोभ मंडल। उसके बाद आ जाता है समताप मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आ जाता है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है यह है आप लोग बताएंगे। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय करेंसी के 10 रुपीज के नोट पर इसकी फोटो लगी हुई है, कोणार्क मंदिर की। यह आपका सन टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, जिसमें कि 24 पहिए बने हुए हैं और 7 घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं, 7 घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं। भारत की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया हुआ है। यह उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में यह भाई बना हुआ है, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में यह बना हुआ है, जो कि आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमिंदी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? बताओ किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है यह आप लोग बताएंगे, किसका हिस्सा है? बताएंगे। चलिए बात करते हैं, क्या होगा लक्षद्वीप, क्या होगा लक्षद्वीप यहां पर हो जाएगा। लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो यह लगभग 36 किलोमीटर
दीपों से मिलकर के यह बना हुआ है और इसका एरिया जानकर के हैरान हो जाएंगे। इसके एरिया की यदि हम बात करते हैं तो 32 किलोमीटर² में यह फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित यह प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश यह है सबसे छोटा। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी क्या है, कारावती इसकी राजधानी है, ठीक है, कारावती इसकी राजधानी है। और लक्षद्वीप का जो मीनिंग है, यह एक मलयालम भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप। क्या होता है इसका मतलब होता है, 1 लाख द्वीप इसका मतलब होता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप यहाँ पे आपका आंसर वही हो जाएगा। चलिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, बताएंगे कितना होता है। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं, सुकुमार सेन रहे हैं सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान समय में कौन है, यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो कौन है, सुशील चंद्र हैं। कौन है, सुशील चंद्र हैं। और भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब कि चीफ, भारत में इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। 25 जनवरी 1950 में की गई थी। ओके श्रवण, चलिए, वैसे वह बाइलिंगुअल होंगी श्रवण, जहां तक मैं आपको बता सकती हूँ, 70% से 80% वो बाइलिंगुअल होंगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, या तो वह 65 वर्ष की उम्र अपनी कंप्लीट कर रहे हैं या फिर उनका 6 वर्ष का कार्यकाल है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। यदि अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी 65 वर्ष की उम्र हो गई तो वह रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो फिर वह 6 साल तक अपना कार्यभार संभालते रहेंगे। चलिए, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है बताएंगे। और मंडे से आपकी क्लास का जो टाइम है, ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए भी और एसएससी जीडी के लिए भी, आपकी रहेगी 2 बजे क्लास, 2 बजे क्लास रहेगी, जिसमें अब हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 2 बजे, ठीक है। तो 2 बजे क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, मंडे से 1 बजे नहीं होगी, सिर्फ 2 बजे हुआ करेगी, सिर्फ 2 बजे हुआ करेगी, ठीक है। आपको अगर अपनी स्टैटिक जीके बहुत ही बेहतर करनी है तो आप लोग मेरी 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और 2 बजे वाली कर सकते हैं, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। चलिए, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है। तुंगभद्रा भाई कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही स्थित है तुंगभद्रा अभयारण्य, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही पड़ता है हम्पी मंदिर, हम्पी मंदिर जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो होप सो कि आप लोगों की चीजें सब सही रही होंगी, आपको अच्छा लगा होगा चीजों में, क्वेश्चंस में मजा आया होगा। एंड इसी तरह से अब हम लोग कल भी अपना सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग 70 से 80 क्वेश्चंस के अराउंड करेंगे। तो कल आप लोग 1 बजे क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, मैराथन क्लास है हमारी 2 घंटे की, ठीक है। आप लोग बहुत बोलते हो मैम मैराथन कीजिए, मैम मैराथन कीजिए, तो भाई आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे 1 बजे ये वाली क्लास, ठीक है। हाँ बिल्कुल श्रवण, अब 2 बजे हुआ करेगी, आप 11 बजे और 2 बजे करें बस, यही काफी है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हो रखी थी, बच्चे कंफ्यूज हो रखे थे कि 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे, 11 बजे वाले तो देखो करनी ही है, तो 1 बजे करें या 2 बजे करें, तो इसलिए मैंने मर्ज कर दिया, 2 बजे करो काफी रहेगा आपका। पासवान जी, इसलिए मैं अभी से ही आप लोगों को इन्फॉर्म करते हुए चल रही हूँ ताकि आप लोगों की क्लास ना छूटे। चलिए, तो कल मिलते हैं 1 बजे, अपने ही समय पर, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्लास कैसी रही यह मुझे आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत। कैमरा रोलिंग, एक्शन। साथियों, एग्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है, ना 10, ना 100, ना 500, ना 1000। हाँ, डॉक्टर साहब इसकी टाइमिंग क्या है? रविवार सुबह 11 बजे सर जी। ना 1, ना 10, ना 100, ना 500, सीधे 1000। 10,000 सर जी, 10,000। 10,000 दिवाला निकालेगा क्या, अब बर्बाद करना है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
इंडिया के इतिहास में पहली बार न एक न दस न सौ न पांच सौ न हजार सीधे 10,000 अर्थात मैथ्स की फ्री किताबें आप सभी के लिए 30 मई रविवार सुबह 11 बजे अपने मेन एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर एग्जैक्ट 11 बजे आना ना भूलें इन 10,000 फ्री मैथ की किताबों को।